हिमाचल के जब पॉपुलर हिल स्टेशन की बात आती है तो मनाली, शिमला या धर्मशाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इनके अलावा भी हिमाचल में कुछ ऐसे ऑफबीट प्लेसेस हैं कि जिनकी सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और ऐसा ही एक ऑफबीट प्लेस है कुल्लू जिले का एक छोटा सा गांव जीबी, जहां की आज मैं पहुंच चुकी हूं। इस वीडियो में खूबसूरत जीबी घुमाने के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी इसके कुछ खास अट्रैक्शन, जिनमें से एक है मिनी थाईलैंड। और साथ ही मैं जानकारी दूंगी आपको जीबी के होटल की, जहां आप अपनी ट्रिप के दौरान रह सकते हैं। अगर आप बजट स्टे चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको डॉर्मेट्री की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप बस से कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं और बस और कैब के किराए में क्या डिफरेंस है। जीबी में घूमने के लिए बहुत कुछ है। जीबी फेमस है अपने घने जंगलों, प्राचीन मंदिरों और हरी भरी सुंदर घाटियों के लिए। ये गांव बंजार घाटी में बसा हुआ है। तो चलिए करते हैं इस खूबसूरत सफर की शुरुआत, चलिए मेरे साथ। जीबी में घूमने की शुरुआत कर सकते हैं आप एक नेचर वॉक से। जंगलों और घास के मैदानों के बीच निकलते, सुनसान रास्तों से चलते, रंग बिरंगे पेड़ पौधों को निहारते आप बिना थके ही कई किलोमीटर की वॉक एक साथ कर सकते हैं। तो आप जीबी में कहीं भी खड़े हो, आपको जो है ऐसे ही खूबसूरत व्यूज नजर आएंगे। पूरा जीबी जो है चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे आपको ये शंकुधारी ऐसे जो पेड़ होते हैं सारे वही नजर आएंगे इधर, और उसी की वजह से जो इस घाटी की खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ से मुझे नदी की जो है आवाज़ सुनाई दे रही है। एकदम आप नीचे देखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी झलक नजर आएगी नदी की, तो पास जाके देखते हैं कि ये कौन सी नदी है। इनाम मीना डीका। जीबी में ही रहते हो तुम तीनों चारों? जीबी में मुझे अपने चार दोस्त मिल गए हैं। ये हैं, एक वो उधर भाग गया है और तीन ये हैं। तो इनसे मैं हाय हेलो करने के लिए यहाँ पे रुक गई हूँ। हेलो हेलो हेलो, वापस किया उसने। अब जीबी में घूमते घूमते बारिश होने लगी तो मैं कॉफी पीने के लिए एक कैफे में घुस गई। इस कैफे का नाम था रिवर ब्रेड कैफे, जो तीर्थन नदी के बिल्कुल किनारे ही सिचुएटेड था। ये है रिवर ब्रेड कैफे, इसकी लोकेशन काफी अच्छी है, तो सोचा कि एक बार यहाँ के यहाँ का खाना ट्राई करती हूँ। ये सिटिंग एरिया है बाहर का, यहीं पर बैठकर जो है खाते हुए लोग एंजॉय करते हैं। और यहाँ से नीचे बह रही है तीर्थन रिवर। मैंने यहाँ पर आकर एक कॉफ़ी ऑर्डर की है और बाकी का भी अभी ऑर्डर किया जो आएगा। फिलहाल जो है ये रही रिवर ब्रेड की कॉफ़ी, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। कॉफ़ी जो है बड़ी टेस्टी बना रखी है। कम ही ऐसे कैफेज होते हैं जहाँ की मुझे कॉफ़ी पसंद आती है,
और इस कॉफ़ी को देती हूँ मैं फुल मार्क्स। ब्रेकफास्ट मैंने लेट किया था तो इसलिए लंच में जो है मैंने भारी भरकम कुछ नहीं ऑर्डर किया है। मैंने यहाँ ऑर्डर किया है वेज चीज़ सैंडविच, तो देखने में तो बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा है, टेस्ट करती हूँ। बहुत ही डिलीशियस सैंडविच है। तो कैफ़े के बाहर का एरिया तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये है अंदर का एरिया। तो इन केस जब ज़्यादा ठंड होती है, बारिश हो रही होती है या स्नोफॉल हो रहा होता है तो तब जो है आप अंदर बैठ के भी अपना मील इंजॉय कर सकते हो। और अंदर का जो सिटिंग एरिया, इसका आप इंटीरियर देखेंगे तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है और काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप जी भी आते हैं तो इस कैफे को जरूर ट्राई करें। अब टाइम था जीबी एक्सप्लोर करने का। जीबी के सफर की शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ के एक खास अट्रैक्शन से, तो अभी मैं उसी की तरफ जा रही हूँ और थोड़ा सा आगे चलकर मैं बताऊंगी कि वो अट्रैक्शन कौन सा है। पहला मेन अट्रैक्शन जहाँ आज मैं जा रही हूँ वो है जीबी का मिनी थाईलैंड। इस नाम को सुनते ही दिलचस्पी बढ़ जाती है। बंजार आते हुए जब आप जीबी पहुँचते हैं तो जीबी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आपको ये बोर्ड दिखेगा कुली कतांदी और विरारियाल का, और इसी के नीचे एक छोटा सा ट्रैक है मिनी थाईलैंड की तरफ का। तो अभी मैं जो है वहीं ट्रैक करने वाली हूँ। बोर्ड के नीचे ही ये रास्ता जा रहा है, ये देखिए पूरा जो है नीचे की तरफ जा रहा है, पूरा पत्थर का रास्ता है। तो रोड से नीचे छोटा सा ट्रैक है ये, लेकिन रास्ता आजकल थोड़ा स्लिपरी हो गया है क्योंकि आजकल यहाँ रुक रुक के जो है बारिश हो रही है, तो उस वजह से थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। तो मिनी थाईलैंड तक जाना भी जो है एक एडवेंचर है। आसपास आप देखेंगे तो ढेर सारी आपको झाड़ियाँ दिखेंगी और उसके साथ ही आपको दिखेंगे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। जब आप ट्रैक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको दो बड़े पाइप दिखेंगे पानी के, तो उसके साथ साथ ही जो है आपको चलते जाना है और तब जो है आप अपने लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो ट्रैक करते हुए मैं सड़क के नीचे की तरफ आ गई हूँ और इस ट्रैक के दौरान अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पर दो शॉप्स मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर आप कुछ भी रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बैठने के जो है छोटे छोटे सिटिंग एरिया भी बना रखे हैं, लकड़ी के बेंच बना रखे हैं, तो आप यहाँ पर बैठकर अपनी चाय या मैगी का आनंद ले सकते हैं। लगभग मैं पहुंची गई हूँ। ये जो आपको छोटा सा एक रास्ता दिख रहा है इन पत्थरों के बीच, यहीं से जो है आपको नीचे जाना है। यहाँ का जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कुछ कुछ जो है थाईलैंड की तरह है और इसीलिए इसे टूरिस्ट ने मिनी थाईलैंड नाम दिया है। लोकल लोग इसे कुली कटांडी या विरारियाल के नाम से जानते हैं। तीर्थन नदी के साथ साथ जो है ये दो बड़े विशाल काय पत्थर हैं यहाँ पे, और उन्हीं के बीच में एक नेचुरल पॉन्ड जैसा कुछ बना हुआ है और यही स्ट्रक्चर जो है यहाँ का खास अट्रैक्शन है। जो
बनावट दिख रही है आपको काफी यूनिक सी लगती है कि कैसे दो बड़े पत्थर जो है ऐसे आपस में हल्के मिले हुए हैं, पूरे नहीं मिले हुए हैं, थोड़ा गैप है और बीच में जो है नदी जा रही है। टूरिस्ट की भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मैं जाती हूँ अब ऊपर की तरफ। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम अंदर लोकेशन तक ही जाना है, यहाँ जो है आप कहीं भी बैठ के जो है प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। कहीं भी आप यहाँ बैठेंगे तो आपको जो है ऐसे ही सुंदर व्यूज देखने को मिलेंगे। तो बीच बीच में आपको ऐसे जंगली फूल और ऐसे फल दिखाई देंगे, खाने नहीं है बस देखने है। तो फाइनली पहुंच गई हूं मैं मेन रोड पे। यहां से लगभग 150 से 200 मीटर का ट्रैक है नीचे मिनी थाईलैंड का। जेबी से ये रास्ता जा रहा है जेलोड़ी पास के लिए, वहीं आपको अपने लेफ्ट में ये फॉरेस्ट रेस हाउस का येलो कलर का बोर्ड दिखाई देगा और इसी के ऑपोजिट में है रास्ता मिनी थाईलैंड का। अगर आप जेबी घूमने आ रहे हैं तो मिनी थाईलैंड के पास भी होटल और गेस्ट हाउस अवेलेबल है, जिनमें से एक है इनक्रेडिबल गेस्ट हाउस जहाँ की मैं ठहरी थी। जीबी मेन रोड से यह केवल 100 से 200 मीटर ही ऊपर है, जहाँ आप अपनी गाड़ी से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं होटल, ये है इनक्रेडिबल गेस्ट हाउस जीबी का, जहाँ की मैंने स्टे किया है। तो चलिए अब मैं करवाती हूँ आपको रूम का एक क्विक टूर। तो एंटर करते ही आपको यहाँ पे एक लकड़ी की अलमीरा मिल जाएगी, तो इसमें जो है आप अपना सामान रख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस है। एक खाना नीचे भी दिया है, यहाँ भी आप अपना सामान रख सकते हैं। और अलमारी के जस्ट बगल में है मिरर, यहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं और ये यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं आप, छोटा मोटा जो भी है। ये है रूम, साफ़ सुथरा रूम है। मैं यहाँ 2 दिन रह चुकी हूँ इसलिए थोड़ा बहुत मैसी लग रहा होगा, पर एक आइडिया के लिए जो आपको रूम टूर दे रही हूँ। बेड है, बेड के दोनों साइड जो है आपका मोबाइल रखने के लिए, चार्जर रखने के लिए दिया गया है। बड़ी सी टेबल है एक लकड़ी की, 2 चेयर है, यहाँ पे बैठ के जो है आप खाना खा सकते हैं। बकेट दी गई है आपको, आप अपने स्नैक्स वगैरह जो है इसमें रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, गर्म पानी के लिए केटल भी मिली है आपको। और अब दिखाती हूँ मैं आपको बालकनी से व्यू। ये मेरा रूम लोअर ग्राउंड पे है इसलिए आपको जो है थोड़ा बहुत जो है तार वार दिख सकते हैं, लेकिन जो इससे ऊपर के फ्लोर है वहाँ से आपको क्लियर व्यू दिखेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि व्यूज़ कितने सुंदर हैं, लेकिन जो है कुछ तारों की वजह से थोड़ा व्यूज़ जो है मज़ा ख़राब हो रहा है थोड़ा, लेकिन ऊपर के फ्लोर में अगर आप रूम लेते हैं तो आप व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर, उसी के बाद जस्ट यहाँ पे किचन एरिया है होटल का, और किचन से लग के ये छोटा सा सिटिंग एरिया। एक रूम का टैरिफ यहाँ 2500 रुपए है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। और इस गेस्ट हाउस की रूम सर्विस काफी अच्छी है। और होटल्स के कंपैरिजन में मुझे यहाँ वॉशरूम ज्यादा क्लीन लगी। स्टे देख रहे हैं तो इस होटल में जो है डोम की फैसिलिटी भी है। ये है वो डोम, यहाँ पे सिर्फ आपको 4 बेड देखने को मिलेंगे और काफी नीट एंड क्लीन है पूरा एरिया। और यहाँ के चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे चार्जेस है 700 रुपीज पर बेड। उत्तराखंड में या बाहर जो है हिमाचल में भी मैं कई जगह घूमी हूँ, होटल्स देखे हैं और उनके डोम्स भी देखे हैं, लेकिन ये डोम अब तक का जो है सबसे बेस्ट था। मतलब काफी नीट एंड क्लीन है और आप देखेंगे स्ट्रक्चर भी पूरे वुडन स्टाइल में है। 4 बेड के अलावा यहाँ पे एक वुडन अलमीरा भी दे रखी है, तो आप जो है यहाँ अपना सामान रख सकते हैं। और ये वॉशरूम है बगल में, ये है वॉशरूम।
अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से जीबी आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचने के कई ऑप्शंस हैं। आपको पहले दिल्ली या चंडीगढ़ से ऑर्ट नाम की जगह पहुँचना होता है और फिर ऑर्ट से आप या तो 1500 रुपए की कैब बुक कर जीबी पहुँच सकते हैं या फिर 80 से 100 रुपए में बस से आप ऑर्ट से डायरेक्ट जीबी पहुँच सकते हैं। इस रूट की कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको अपने अगले वीडियो में दे दूंगी। तो ये था मेरा जीबी का पहला दिन। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इस खूबसूरत जगह के कुछ और खास अट्रैक्शन।